फ्लैश न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। इंस्पेक्टर को फंसाने की रची साजिश, ग्राम प्रधान सुरेश बिंद एवं जिला पंचायत सदस्य फूलचंद कन्हौजिया ने दबंगई के बल पर दुर्गागंज थाना के सब इंस्पेक्टर रणविजय सिंह को फंसाने की साजिश रची। हम आपको बता दें कि भदोही जनपद से थाना दुर्गागंज के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा मिल्कीपुर नीबी से सनसनी खबर सामने आई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मिल्कीपुर नीबी गांव में सरकारी सस्ते गले की दुकान का चुनाव था, जिसमें ब्लॉक के अधिकारी व थाना दुर्गागंज से महिला कांस्टेबल, सिपाही व सब इंस्पेक्टर रणविजय सिंह मौजूद थे। कोटे का चुनाव बहुत शांति ढंग से हो रहा था और हजारों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। तभी वहां पर मिल्कीपुर नीबी ग्राम सभा के प्रधान सुरेश बिंद और जिला पंचायत सदस्य फूलचंद कन्हौजिया ने कुछ बाहरी लोगों को बुलाकर पुलिस प्रशासन के साथ विवाद कराने की कोशिश की, ताकि वहां पर हिंसा भड़क उठे और कोटे का चुनाव पूरा न हो सके। जब सब इंस्पेक्टर रणविजय सिंह ग्रामीण लोगों से शांति बनाए रखने की बात कह रहे थे, तभी वहां कुछ लोग आकर सब इंस्पेक्टर रणविजय सिंह की खाकी वर्दी को पकड़कर हाथापाई चालू कर दिए। तब सब इंस्पेक्टर रणविजय सिंह ने उन लोगों को थाना दुर्गागंज लेकर गए और धारा 151 का चालान कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं दिलीप कुमार पांडे द्वारा। हमारा नाम अमितेश कुमार। आप लोग दुर्गागंज थाना से पुलिस अधीक्षक ज्ञानपुर आए हो, किस विषय में आए हो यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा पूरा जन समूह आया हुआ है। मैटर है ग्राम पंचायत नीबी का, जहाँ पर कोटे सरकारी गल्ले के चुनाव की विषय था, तो वहाँ पर विवाद हुआ और जिसमें फर्जी तरीके से हमारे थाने के एक ईमानदार युवा कर्मठ जुझारू जो पुलिस ऑफिसर हैं रणविजय सिंह, उनको फंसाया जा रहा है। हम लोग उनके साथ उनके पक्ष में आए हैं कि ऐसा पुलिस अधिकारी हम लोगों को अभी तक मिला नहीं जो न्यायप्रिय हो, जो जनता के दुख दर्द को समझे, लोगों के दर्द को समझे। उनके संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने एसपी साहब से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया कि इस प्रकार के जो कर्मठ पुलिस अधिकारी हैं उनको हमारे थाने से हटाया ना जाए। उनके द्वारा शांति व्यवस्था बनी हुई है, जो चोर हैं, जो लंपट हैं, जो डकैत हैं, जो छेड़खानी करने वाले हैं, वो दुर्गागंज से इस समय फरार हैं और यह किसी की देन है तो सिर्फ रणविजय सिंह की, और उन्हीं के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तब तक हम लोग डटे रहेंगे जब तक कि निर्णय नहीं हो जाता है, चाहे वो राजनैतिक बल लगा लें या प्रशासनिक बल लगा लें। हम लोगों का लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग रणविजय के पक्ष में निर्णय नहीं करा लें। क्या नाम है? विकास कुमार शुक्ला। आज हम लोग पुलिस अधीक्षक ज्ञानपुर और मौके पे सभी सम्मानित गढ़ हर गांव से हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एक मिल्कीपुर कोटे की चुनाव के लिए जो यहाँ पे एक मुशहर माननीय श्री रणविजय सिंह को फंसाया जा रहा है, उनसे विवाद हुआ, उनको फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जब से दुर्गागंज थाना बना हुआ है, आज पहली बार अगर कोई दुर्गागंज जान रहा है तो उसकी कोई देन है तो माननीय श्री रणविजय सिंह जी देन है। तो यहाँ पे सारे जो चोर हैं, लफंगे हैं, छिंडरा भातरा सब लोग भाग गए हैं, वो माननीय केवल रणविजय सिंह की देन है। तो हम लोग यहाँ पे तब तक डटे रहेंगे जब तक यहाँ पे न्याय की गुहार न लगाएं। और मैं निवेदन करता हूँ कप्तान साहब से, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, वो सीओ साहब को जो जांच दिए हैं उनमें क्या नाम है, सच्चाई की जाँच हो, सच्चाई की जीत होती है। थोड़ा लेट होगी लेकिन विजय माननीय श्री रणविजय सिंह की होगी। क्या नाम है? आलोक कुमार सिंह, ग्राम प्रधान भंडा। किस विषय में आए हो ज्ञानपुर? ग्राम सभा नीबी का कोटे के चयन का विवाद था वहाँ पे, उसमें एसआई रणविजय सिंह मौके पे पहुँचे हुए थे। निष्पक्ष चुनाव हो रहा था, उसमें विरोधियों द्वारा धांधली कराई गई जिसमें एसआई रणविजय को बदनाम किया गया। उस विषय में आज हम लोग पुलिस अधीक्षक ज्ञानपुर से मुलाकात की है, कप्तान साहब से बात हुआ, बात हुई, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है जो निष्पक्ष होगा, जो न्याय होगा वो सही होगा। एसआई रणविजय जब से थाने दुर्गागंज में आए हुए हैं, जो यशो कृष्ण राय जी हैं, तब से वहाँ भयमुक्त वातावरण चल रहा है। हमारे क्षेत्र की जनता काफ़ी खुश थाने के आज के व्यवहार से है। अंबाला कैंट रामबाग रोड पर दो गाय व एक कुत्ते की करंट लगने से मौत हो गई। साथ ही यहां पर दो सरकारी स्कूल है, रविवार की छुट्टी थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिजली का जो खंभा है वो लोहे का है और जिससे लोगों में भारी आक्रोश है, और जो गाय मरी है वो गर्भ से थी। अंबाला से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। दो दो मरी, एक मरी, गाय
कर यार जो करना है तो मैं आईडिया लगाऊंगा भाई, तू लगाती रह जैसे करना। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानचंद है जी। जो ये गाय मरी है, हाँ जी, ये कैसे मरी है? ये हमारे सामने मरी है, एक गाय इससे पहले मरी थी। वो कोई 8:30 बजे आए थे बिजली वाले यहाँ पर, बिजली वाले आए थे, वो कहने लगे इसमें करंट नहीं आ रहा है अब, तो हमने उनको फिर एक कुत्ता आया उसके बाद हमने उसको भी इसका नाम किया, फोन किया कि कुत्ता भी इसका नाम मरने वाला हो रहेगा, तो कुत्ता चलो भाग गया। उसके बाद फिर जब बिजली वाले चले गए उसके थोड़ी देर बाद फिर एक गाय आई यहाँ पे, वो गाय फिर मर गई यहाँ पर आकर के। इसका मतलब कि यहाँ पे दो गायें मर गई हैं? दो गाय मर चुकी हैं, दो गायें मर चुकी हैं। कितनी है ये गाय? ये गाय ग्वाल मंडी की होगी जी। एक गाय मोती की थी जी और एक गाय शाम की जी। हाँ जी, तो ये आपको किसने, ये कैसे पता लगा इसमें करंट है? ये हमारे गाय जब मरी तो पता लगा। हाँ जी, जब हमने उनको फोन किया, हाँ जी, वो कह रहे हैं हम अभी आ रहे हैं, बरसात हो रही है अभी आ जाएंगे। हमने कहा फोन वहाँ से काट दो कनेक्शन। पहले ये कुत्ते को करंट लगा था, कल लगाया अपने 8:00 बजे के करीब में, फिर कुत्ते के, फिर गाय को लगाई फिर करंट। सवेरे गाय साफ होगी, फिर उसके बाद गाय को अभी फिर मरी की जी, फिर उसको हमने बिजली बोर्ड वाले को फोन मारा, अब जाके तुरंत 1/2 घंटे पहले आए हैं जी बिजली बोर्ड वाले। ये तो बहुत ज़्यादा बचाव हो गया जी, आज बच्चों की छुट्टी थी, संडे था, और जो संडे ना होता तो बच्चे देखो बच्चों के साथ कितना हादसा होता है, और जब बिजली बोर्ड के अंदर इतना जबरदस्त करंट था खंबे के अंदर, मैं कह रहा बंदा भी होता, बंदा भी चिपका के एकदम साइड में गिर देती जगह। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बच्चों का स्कूल, और ये खंबा चेंज होना चाहिए, इस रोड के ऊपर से खंबा होना नहीं चाहिए यहाँ पे। ये खंबा यहाँ पे बहुत पुराना खंबा है, खंबा है जी, और बहुत पुराना खंबा है जी, बहुत लोहे का है, और लोहे का खंबा है जी, और सुनवाई कोई नहीं है, दो हादसे हो चुके हैं, और ये खंबे के साथ बिल्कुल स्कूल है जी, बिल्कुल स्कूल के साथ में बिल्कुल खंबा लगा रोड के ऊपर ही, बिल्कुल स्कूल के दीवार के साथ, और बाई चांस बच्चों के साथ ये हादसा हुआ होता, बच्चों के साथ क्या हादसा होता है, ये देखो ये बच्चा कितना क्या, कितना बच्चा यहाँ से निकलता है और कितना बच्चा साफ होता है इस करंट के दौरान। और जो ये पहले जो गाय मरी थी उसका क्या किया, कौन आया था लेने? वो जी मोती की गाय थी जी, और फिर वो मोती आया जी यहाँ पे, अपनी गायें देखी बेचारे ने, ये तो कह रहा है मेरी तो गायें अभी तो घर से निकली थी, मैंने दूध चौके भी निकाला था, फिर इतना बिजली बोर्ड वालों को फोन मारा जी, फिर ये आए थे आके फिर ये चक चुक करके चले गए जी, उसके बाद फिर वो गायें चक्के लेके जी मोती अपनी बिजली बोर्ड वालों के सामने, फिर अब दूसरा फिर हमने फिर फोन मारा, ये वो कुत्ता बचा जी, कुत्ते को करंट लगा, कुत्ता एकदम तेज से भागा जी, फिर उसके बाद ये गाय आ रही, गाय को बचाने के लिए बच्चा जा रहा था, बच्चे को हमने बड़ा बड़ा आवाज मारी, बच्चे को हमने कहा बेटा तू दूर हो जा। आपने कंप्लेंट की थी? हाँ जी कंप्लेंट की थी, अपने कई बार फोन मारे बिजली बोर्ड के अंदर, बिजली बोर्ड कम से 1.5 घंटे के बाद आए जी, उससे पहले हादसा हो चुका था, उसको बुला के ले। फरुखाबाद में अलग अलग स्थानों पर नवरात्रि के प्रथम दिन कलश यात्रा निकाली गई और माता के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ नवरात्रि का शुभारंभ हुआ। नवरात्रि के आरंभ के साथ प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ अलग अलग स्थानों पर माता की प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसमें नेकपुर 84 माता की प्रतिमा स्थापित कर नेकपुर की आम जनता ने भक्तिमय माहौल बना दिया। इस मौके पर अशोक सक्सेना, विक्की आशीष पुजारी, रविन्द्र कुमार दुबे, अंकित राजू सक्सेना एवं नेकपुर 84 की समस्त जनता मौजूद रही। फरुखाबाद से हमारे संवाददाता मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आपका नाम? रविंद्र कुमार दुबे। दुबे जी, नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रथम दिन माता के किस स्वरूप का पूजा होता है? ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी। प्रथम दिन पूजन में माता की किस शक्ति स्वरूपा को जो है सो लोग ध्याते हैं और यह किस प्रकार से मनोकामनाएं भक्तों की पूरी करते हैं? जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार माता रानी उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। यह पूजन कितने दिनों तक चलती है? 9 दिन। 9 दिन? क्या 9 दिनों में अलग अलग स्वरूपों का स्वरूप है? 9 दिन के स्वरूप अलग अलग है। क्या प्रारंभिक पूजा अर्चना कितने बजे से आरंभ है? बस शुरू ही होने जा रही है। तिथि किस शुभ मुहूर्त में पड़ती है? उत्तरायण जब सूर्य पहुंचते हैं 12 बजे के बाद तभी पूजन होता है।
संध्या काल में आरती का समय क्या होगा? 8 बजे का। वाराणसी मड़वाडी थाना अंतर्गत चांदपुर हरिजन बस्ती में अलियार भारती पत्नी केवला देवी का आरबी ढलाई का छत अचानक गिरा। मौके पर घर में उपस्थित वंदना भारती और संध्या भारती घर से बाहर निकलकर अपना जान बचाए। जैसे ही जानकारी ग्राम प्रधान आरडी यादव को हुआ तो उन्होंने मडौली के चौकी इंचार्ज अजय दुबे को सूचना देते हुए मौके पर घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना स्थल पर चौकी इंचार्ज ने आकर जायजा लेने के बाद बताया कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मौके पर उपस्थित मुख्य रूप से राकेश पटेल रहे। वाराणसी से हमारे संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। कहाँ गिराने वाले? चांदपुर। कैसे गिरा है? अपना गिरा। ये बरसात से? ये कितने पुराना, कितना मकान है? कितना पुराना मकान है लगभग? अरे हो गए 50 साल। अच्छा, तब मौके पे आपने किसको सूचना दिया या बताया? प्रधान के। प्रधान जी क्या किए मौके पे? देखला ना। अच्छा, क्या आप लोग का आवास वास के लिए भी कुछ बातचीत है? आवास भर ले हैं ना, अब आवास तब ना। अच्छा, आरडी यादव ग्राम प्रधान चांदपुर। क्या हुआ है आपके ग्राम में आज? ये हुआ, पुराना उनका मकान था, काफ़ी 50-60 साल पुराना था। तो आज करीब 3 बजे ये पीछे छत इनका बैठ गया, तो बच्चे गए घर पे, हमारे सूचना दी, तुरंत हम आए यहाँ पे, देखिए कोई सब सुरक्षित हैं, केवल सामान मन के दबा हुआ है। तो तुरंत हमने फिर अपना लेखपाल और जगह फ़ोन किया, फिर हमारे चौकी चार साहब भी मौके पर आ गए। मौके पर कोई घटना तो नहीं? कोई दबा हुआ तो नहीं? बच गए एकदम। क्या इन लोग का इतना जर्जर मकान है, अभी तक इन लोग को आवास नहीं है? नहीं, ऐसा सब कुछ क्यों? हो गया इनका, अब आने वाला है कुछ ही समय में, आ जाएगा, सब दिया हुआ है, सब करके फोटो खींच के चला गया है इनका पूरा मकान का, इनके मड़ई का सब दिया हुआ है। प्रतापगढ़ में 5 दिनों की लगातार बारिश ने हाहाकार मचा दी है, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है। लगातार जारी है इंद्रदेव का प्रहार, जिससे आम जीवन तो पूरी तरह से त्रस्त हो गया है। जगह जगह पानी लगा है तो घरों में पानी घुस गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। जिला प्रशासन के आदेश के बाद लोगों ने घर खाली कर दिया है, जिससे कि लगातार भारी बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिससे कि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता संजय पाल की रिपोर्ट। पानी भर ही गया है, देख ही रहे हैं आप, चारों तरफ जलमग्न हो गया है। आवासी लोग सब यहाँ से, सब जिला प्रशासन के द्वारा घर खाली कराया गया। जो बस हाँ आए थे कुछ लोग, वहाँ पीछे फंसे थे लोग, उनको निकाल के ले गए और बाकी बताया, लेखपाल आए थे, फिर सिंह आए थे, बताए लोगों को कि आप लोग जो है ये ऐसे इलाकों में पानी जी भर चुका है, बिल्कुल एकदम देख ही रहे हैं जलमग्न हो गया है। क्या नाम है? जिला प्रशासन मतलब लेखपाल वगैरह आए थे, बताए कि आप लोग खाली कर दीजिए। किसी घटना ऐसी कोई नहीं? नहीं, कोई घटना नहीं, कोई घटना नहीं। क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद भंडारी। ये सभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।